hello dear students of 11th standard once again uh, assalamu alaikum i kaajasan khan lecturer english uh, today i'm going to teach you a very inspiring poem uh, from your first chapter 9 and the title of the poem is uh, where the mind is without fear this poem is actually written by one of the famous scholar poet of our india so before explaining the poem, I would like to give you a brief introduction of the poet as well as the poem. So, I have told you that if you want to understand the poem properly, then most important, first of all, you have to recite the poem twice, thrice, or four or five times. If you recite the poem three, four, five times, then definitely, यू विल गेट अ जनरल आइडिया अबाउट द पोइम सो इसलिए मैं रिसर्टेशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करता हूँ तो उससे आपको एक जनरल आइडिया पोइम का मिल जाता है तो रिसर्टेशन करने से पहले एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा पोइट और पोइम के बारे में पोइट जैसे कि मैंने आपको पहले कहा एक बहुत ही फेमस स्कॉलर हमारे इंडिया का रहा है द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोइम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रविंद्रनाथ टेगो तो ये रविंद्रनाथ टेगोर ते, ने लिखा है सो दिस इज अ वेरी इंस्पायरिंग पॉइम एज वेल एज दिस पोइम इज अ अट थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट तो थॉट प्रोवोकिंग पॉइम है तो एक्चुअली रविंद्रनाथ टैगोर जो है ही वॉज बॉर्न ऑन सिक्स में वो पैदा हुआ था बंगाली है वो तो बिसाइड्स दैट रविंद्रनाथ नाथ टैगोर ही वॉज नॉट ओनली अ पोइट

हर इवेंट पे हर ओकेजन पे आप नेशनल एंथम पढ़ते हैं दैट नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टेगोर तो रविन्द्र नाथ टेगोर ने सिर्फ हमारे इंडिया का ही नेशनल एंथम नहीं बल्कि और एक कंट्री का भी नेशनल एंथम लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने दैट इज बांग्लादेश का बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है तो एक्चुअली रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नेशनल एंथम लिखा है वो बंगाली में लिखा है तो उसके अलावा आप uh, सभी लोग जानते होंगे रविंद्रनाथ टेगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द प्रस्टिजियस नोबेल प्राइज पहला हिंदुस्तानी है जिसको नोबेल प्राइज मिला था फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन इन लिटरेचर लिटरेचर में उन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था पर्टिकुलरली उसने एक कलेक्शन ऑफ पोएम लिखा था जिसका नाम है गीतांजलि तो गीतांजलि के लिए रविंद्र टैगोर टेगोर को ये जो प्रस्टीजियस अवार्ड नोबेल प्राइज 1913 में मिला था तो जिसकी वजह से वो पहला हिंदुस्तानी बना और पहला नॉन यूरोपियन बना जिनको इस एजाज से नवाजा गया तो उसके बाद जो रविंद्रनाथ टेगोर ने एक स्कूल भी इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में ये स्कूल उन्होंने इस्टाब्लिश किया था बाद में उन्होंने इस स्कूल को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करके ये एक यूनिवर्सिटी बन गया तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से अब इसको जाना जाता है तो ये भी एक्चुअली रविंद्रनाथ टैगोर ने इस स्कूल के माध्यम से इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोगों को एजुकेट करने में भी बहुत बड़ा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है तो उसके अलावा नेशन बिल्डर भी था जैसे कि मैंने पहले कहा कौम को बनाने के काम में भी उन्होंने अहम रोल अदा किया हमारे जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी जी उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को एक टाइटल दिया था गुरुदेव वो उनको गुरुदेव के नाम से जानता था तो इतना बड़ा हस्ती आज उस बड़े हस्ती का हम एक पॉइम समझने की कोशिश करेंगे ये जो पॉइम मैंने पहले कहा दिस पॉइम इज़ ए थॉट प्रोवोकिंग पॉइम हमारे थॉट को प्रवोक करने वाला एक पोइम है हमारे सोच को ख्याल को उकसाने वाला एक उइम है जिस पोइम के जरिए रविंद्रनाथ टेगोर ने अपने एक ड्रीम को बयान किया है एक्चुअली रविंद्रनाथ टेगोर ने जो अप, सपना देखा था अपने मुल्क के बारे में जैसे कि रविंद्रनाथ टेगोर जो है ही डाइट ऑन सेवन अगस्त 1941, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले ही वो एक्सपायर हुआ था तो जिस वजह से इसे एक चीज क्लियर होता है ये जो पॉइम उन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले ही लिखा था उस वक्त रविंद्रनाथ टैगोर के दिमाग में एक सपना था अपने मुल्क को लेकर कि मेरा मुल्क कैसा होगा किस तरह का मुल्क होगा तो यही जो अपना जो ड्रीम है वो इस पोईम के जरिए डिस्क्राइब करता है रविंद्रनाथ टैगोर तो इस पॉइम का जो मेन थीम है दैट इज द फ्रीडम एट ऑल लेवल्स रविंद्रनाथ टेगोर ये ड्रीम करता है कि हर लेवल पे फ्रीडम होना चाहिए लोगों को हमारे आजाद हिंदुस्तान में तो डियर स्टूडेंट्स बिफोर एक्सप्लेनिंग द पोइम लाइन बाय लाइन आई वुड लाइक टू रिसाइट दिस पोइम। मैं ये पोइम एक बार रिसाइट करना चाहता हूं आप लोग प्रॉपरली जस्ट सुन लीजिए क्योंकि मैंने पहले कहा If you recite the poem properly, then definitely you will get a general idea about the poem. So that is why I am reciting this poem first. And after that, I will explain this poem line by line. So listen carefully, dear students of 11th standard. Uh, the poem goes like this Where the mind is without fear and the head is held high. Where the mind is without fear and the head is held high. Where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where the words come out from the depth of truth where tireless striving stretches its arms towards perfection where tireless striving stretches its arms towards perfection where the clear stream of reason has not lost its way where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of death habit into the dreary desert sand of death habit where the mind is led forward by thee. Where the mind is led forward by thee, into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father let my country away. Into that heaven of freedom, my father let my country away. To apne general idea is poem ka Liya Hoga mere is recitation ke baad. दिस आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू द poem लाइन by लाइन सो लिसन केयरफुली तो जैसे कि मैंने पहले कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पॉइम के जरिए एक ड्रीम देखा था कि मेरा हिंदुस्तान मेरा जो देश है मेरा वतन जो है वो आजादी के बाद क्या होगा कैसा देश होगा किस तरह का देश होगा तो जैसे कि मैंने पहले कहा इस पॉइंट का जो मेन थीम है दैट इज द फ्रीडम एट ऑल लेवल यानी कि रविंद्रनाथ टेगोर का यह सपना था आजादी के बाद हर लेवल पे मेरे देश में फ्रीडम होना चाहिए तो देखो वो कुछ इस तरह से कहता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर यानी कि मेरा मुल्क ऐसा हो जहां पे लोगों के दिमाग में कोई फियर ना हो फियर मींस डर खौफ तो रविंद्रनाथ टेगोर कहता है सबसे पहले एक्चुअली बिफोर इंडिपेंडेंस एस यू ऑल नो दैट हमारा जो हिंदुस्तान है इट वाज अ स्लेव हमारा जो मुल्क एक स्लेव था अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेजी सरकार के अंदर हम उनके गुलामी करते थे तो उस वजह से लोगों के दिमागों में एक डर था लोगों के दिल में एक खौफ था तो रविंद्रनाथ टैगोर ये ड्रीम देखता है ये सपना देखता है आज़ादी के बाद मेरा मुल्क ऐसा होगा कि किसी के दिमाग में किसी तरह का कोई फियर नहीं होगा वेयर द माइंड इज विदाउट फियर वेयर नॉलेज इज फ्री हमारा मुल्क ऐसा होगा जहाँ नॉलेज फ्री होगा यहाँ नॉलेज फ्री का मतलब है कि फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज नहीं है फ्री का मतलब है कि नॉलेज हासिल करने के लिए कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जैसे पहले 47 से पहले जब हमारा मुल्क एक गुलाम था दैट टाइम सिर्फ जो क्रीमी लेयर ऑफ द सोसाइटी दे वर एबल टू अटेन एजुकेशन जो जनरल मास हैं, जो गरीब लोग हैं वो लोग एफर्ट नहीं कर पाते थे या उनको इंस्टीट्यूशन में स्कूलों में कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलता था एक किस्म का डिस्क्रिमिनेशन था तो इसलिए रविंद्रनाथ टेगोर कहता है कि नॉलेज फ्री हो हर किसी के लिए यहां पे एजुकेशन अवेलेबल हो इेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीट काला सेक्स चाहे कास्ट के बुनियाद पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो क्रीट या नस्ल के बुनियाद पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कलर ऑफ स्किन के बुनियाद पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो मेल फीमेल के बुनियाद पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो सभी के लिए नॉलेज फ्री हो तो ये हमारे रविंद्र नाथ का एक ड्रीम था वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ मेरा मुल्क ऐसा हो जहां पर लोगों के जबानों पर सिर्फ सच्चाई हो लोगों के जबानों पर कोई अगर लफ्ज हो तो वो सच्चा हो लोग झूठे ना हो कहने का मतलब ये हुआ कि लोगों को रियल एजुकेशन मिले अगर रियल एजुकेशन मिले तो लोग सच्चे हो जाएंगे अगर उस एजुकेशन को वो लोग प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे देन डेफिनेटली द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री विल बी ट्रूथफुल वो लोग बहुत सच्चे होंगे तो इसलिए रविंद्रनाथ टेगोर कहता है वर्ड्स कम आउट फ्रॉम ट्रुथ सच्चाई के गहराई से डेप्थ का मतलब हो गया है, गहराई तो सच्चाई के गहराई से लोगों के जबानों पे जो लफ्ज आए वो सच्चाई के गहराई से आए यानी कि लोग सच बोले यहां पे। वेयर आर स्ट्राइविंग स्ट्रच इट्स आर्म्स टूअर्ड्स परफेक्शन और मेरा मुल्क ऐसा हो जहां पे टायलियस, टायलियस स्ट्राइविंग अनथक कोशिश टायस का मतलब अनथक स्ट्राइविंग मीन स्ट्रगल एफर्ट कोशिश जिद्द जहद मेहनत तो यहां पे जो अनथक लोग कोशिश करे और लोगों के अनथक जो कोशिश हैं वो स्ट्रच करे वो फैलाए अपने बाजुओं को किसकी तरफ फैलाए परफेक्शन की तरफ फैलाए यानी कि यहाँ पे लोग लगन से काम करें, मेहनत के साथ काम करें, लोगों के अंदर मेहनत का जज्बा हो और वो लोग ऐसे सिंसियर ज़िद्द करें सदाकत से वो लोग जिद्द करें जिसके बदौलत वो अपने बाज़ुओं को फैलाए परफेक्शन की तरफ टुवर्ड्स परफेक्शन परफेक्शन मीन बिल्कुल मुकम्मल चीज़ों की तरफ परफेक्ट चीज़ों की तरफ अपने बाजुओं को फैलाएं वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे मेरे मुल्क में जो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन है यानी कि क्लियर स्ट्रीम एक्चुअली हियर ही रेफर्स टूअर्ड्स द क्लियरिटी ऑफ थॉट वो क्लैरिटी ऑफ थॉट की तरफ इशारा करता है लोगों का जो सोच हो लोगों का जो ख्याल हो रीजन का खासकर लॉजिकल थिंकिंग का यानी कि रीजन का मतलब होता है जिस थिंकिंग के पीछे कोई लॉजिक हो कोई फजूल थिंकिंग नहीं हो तो यानी कि यहां पे रविंद्रनाथ टेगोर कहता है क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन पे लोगों का जो सोच है वो अपना रास्ता ना खोए लोगों का सही सोच जो है वो रास्ता ना खोए इन टू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेट हैबिट पे रास्ता ना खोए ड्रेरी डेजर्ट में ड्रेरी डेजर्ट का मतलब हो गया लाइफलेस डेजर्ट ड्रेरी मींस लाइफलेस बेजान तो ड्रेरी डेजर्ट में बेजान डेजर्ट में बेजान चीजों में फजूल चीजों में लोगों का सोच जो है मेरे मुल्क में रास्ता ना खोए सेंट ऑफ डेथ हैबिट डेथ हैबिट यहां पर रविंद्रनाथ टेगोर ने रेफर किया है टुवर्ड्स तो अवर ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हमारे पुराने कस्टम्स की तरफ पुराने रिवाजों की तरफ जो बिल्कुल जिनका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है उन रिवाजों की तरफ इशारा करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है दैट इज डेट हैबिट यानी कि लोगों का जो सोच है वो एक तो बेजान रेगिस्तान में लाइफलेस रेगिस्तान में और पुराने रीत रिवाजों में अपना जो सोच है लोगों का सही सोच है वो कहीं रास्ता न खोए यानी कि लोगों का जो सोच है वो बिल्कुल सही रहे क्लियर रहे लोगों का गोल भी बिल्कुल क्लियर रहे तभी हमारा देश जो है आगे बढ़ सकता है तरक्की कर सकता है वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाई दी और हमारे मुल्क में लोगों की सोच की रहनुमाई करे लोगों के दिमाग की रहनुमाई करे बाई दी आप खुद ही रहनुमाई करे दी इज एक्चुअली एन एलिजिबेथन वर्ड तो ये एलिजिबेथन पीरियड में काफी इस्तेमाल होता था इस वर्ड का टी एच डबल ई दी का मतलब वैसे उर्दू में आप होता है यू आजकल तो मॉडर्न इंग्लिश में यू ही कहते हैं लेकिन एलिजिबेथन इंग्लिश में डी का काफी इस्तेमाल होता था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसी एक एलिजिबेथन वर्ड का इस्तेमाल किया है यहाँ पे वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाई दी हमारे मुल्क में हमारे दिमाग की सोच की रहनुमाई करे आप खुद यानी कि यहाँ पे ही इज रेफरिंग टू द गॉड ऑलमाइटी यहां पे रविंद्रनाथ टैगोर गॉड की तरफ इशारा कर रहा है बनाने वाले की तरफ खुदा की तरफ ईश्वर की तरफ इशारा करते हुए वो कह रहा है कि हमारे देश में लोगों के सोच की रहनुमाई हमारे हमारा जो है बनाने वाला ही करे इन टू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन किस की तरफ रहनुमाई करे हमारे सोच की उन एवर वाइडनिंग एवर वाइडनिंग का मतलब प्रोग्रेसिव आगे बढ़ने वाला आगे बढ़ने वाले सोच की तरफ रहनुमाई करें एंड एक्शन और काम की तरफ रहनुमाई करें तो यहां पे इन लाइंस में एक किस्म का रविंद्रनाथ टेगोर प्रेइंग टू अल उनको अल्लाह को प्रे कर रहा है प्रे कर रहा है अल्लाह दुआ कर रहा है कि आप ही हमारे माइंड की रहनुमाई करें उस आगे बढ़ने वाले सोच और काम की तरफ उस एवर वाइडनिंग थॉट और एक्शन की तरफ ए खुदा ए भगवान ए ईश्वर आप ही हमारे रहनुमाई हेवन ऑफ़ फ्रीडम उस आजादी के जन्नत में माय फादर मेरे खुदा मेरे ईश्वर लेट माई कंट्री अवेक मेरे मुल्क को जगाओ तो लास्ट में खुदा से दुआ मांगता है कि ए खुदा ए ईश्वर ए भगवान आप ही हमारे जवानों के हमारे लोगों की सोच की रहनुमाई करे और उस तरफ रहनुमाई करे आगे बढ़ने वाले सोच और काम की तरफ आप ही रहनुमाई करे और हमारे मुल्क को उस आज़ादी के जन्नत में आप जगाइए ए मेरे ईश्वर तो इसी दुआ के साथ वो इस पॉइंट को क्लोज करता है कंक्लूड करता है डियर स्टूडेंट्स आपने काफी आइडिया गेन किया होगा जैसे कि मैंने लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन किया यू माइट द पोएम प्रॉपरली तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था यू नो इन ऑर्डर टू मेक अ पोएम वेरी मीनिंगफुल एंड अट्रैक्टिव अ पोइट ऑलवेज यूजिस फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी डिवाइस और पोइटिक डिवाइसेस पोइट जो है पोइटिक डिवाइस का लिटरेरी डिवाइस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है तो इस पोइम में भी रविंद्रनाथ टैगोर ने काफी लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया है जिसमें से एक एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया है और एक यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने पर्सोनिफिकेशन का भी इस्तेमाल किया है एक मेटाफर का भी इस्तेमाल किया है और एक लास्ट में एपोस्ट्रॉफी का भी इस पोइम में इस्तेमाल किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने तो मैं आपको वो लाइंस बताना चाहूंगा कि किन किन लाइन में रविंद्रनाथ टैगोर ने किस तरह के फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया है तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा जो चौथा लाइन है फोर्थ लाइन ऑफ द पोइम वहां पे एक एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने वैसे एलिट्रेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी कहा था एलिट्रेशन वो पोइटिक डिवाइस है जिसके मदद से एक्चुअली जहां पे जो है कंसोनेंट साउंड रिपीट हो रहा हो एक लाइन में जो कंसोनेंट साउंड है वो बार बार रिपीट हो रहा हो दैट पोइटिक डिवाइस इज कॉल्ड एलिट्रेशन तो यहां पे एक एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया है जैसे चौथे लाइन में मैंने कहा वेर द वर्ल्ड देखो यहां पे व साउंड दो बार रिपीट हो रहा है वेयर और वर्ल्ड के साथ सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन उसके बाद और एक जगह भी एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया है वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ वेयर वर्ड्स यहां पे भी वॉस साउंड रिपीट हो रहा है अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन तो उसके बाद

देखो टायरलैस स्ट्राइविंग को परसोनीफाई किया है जैसे यहां पे कहते हैं टायरलेस स्ट्राइविंग अंथक कोशिश अपने बाजू को फैलाए यानी कि यहां पे अंथक कोशिश को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट किया है एक इंसान की तरह ट्रीट किया है वैसे बाजू तो सिर्फ इंसान ही फैला सकता है अंथक कोशिश तो सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो लेकिन यहां पे इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया है सो दैट इज वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोनिफिकेशन तो उसके बाद यहां पे एक मेटाफर का भी इस्तेमाल किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने दैट इज ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेट हैबिट देखो डेजर्ट सैंड ऑफ डेट हैबिट यहां पे ड्रेरी डेजर्ट सैंड को डेट हैबिट के साथ कंपेयर किया है ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेट हैबिट। इसको किया है डेट हैबिट के साथ तो एक्चुअली मेटाफर भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था जब कोई कंपेरिजन करता है दो चीजों के दरमियान दो डिसिमिलर चीज के दरमियान विदाउट यूजिंग एस और लाइक लेकिन मेटाफर में एस और लाइक का इस्तेमाल नहीं होता उसके बरकस जो सिमिली होता है उसमें भी कंपैरिजन ही करते हैं लेकिन सिमिली में कंपैरिजन करते वक्त एस और लाइक का इस्तेमाल करते हैं लेकिन यहां like का इस्तेमाल नहीं किया है इन टू दी डेजर्ट सैंड ऑफ डेट है रिपीट हो रहा है दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन तो लास्टली Poet ने इस में और एक पोइटिक है, apostrophe. Apostrophe जो है actually, उस को कहते हैं जब पोइट किसी एपसेंट ऑडियंस को एड्रेस करता है जब पोइट किसी एबसेंट ऑडियंस की तरफ एड्रेस करता है जो ऑडियंस उसके सामने फिजिकली मौजूद नहीं हो तो उसकी तरफ वो खिताब करे दैट पोइटिक डिवाइस इज कॉल्ड एपेस्ट्रॉफी तो यहां पे एक का एग्जाम्पल ऑफ मिलता है लास्ट सेकेंड लाइन में दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर माई फादर यहां पर वो एड्रेस कर रहा है गॉड की तरफ फिजिकली उसके सामने प्रेजेंट नहीं है तो दैट मीन यहां पे वो एक एबसेंट ऑडियंस की तरफ एड्रेस uh, कर रहा है सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ Apostrophe. So these are the poetic devices used by the poet in this poem in order to the, make the poem more meaningful and attractive. So dear students, I have focused on three, three aspects of this poem in recitation. So I repeat once. If you want to understand a poem properly, please recite that poem two, twice, thrice, three or four times. जो पॉइटिक डिवाइस इस्तेमाल किया था पॉइंट ने वो भी मैंने आपको डिस्कस किया तो उसके बाद और एक चीज लास्ट में कंक्लूडिंग किसी भी पॉइंट को पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू गेट एन एम्पल आइडिया अबाउट द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पोइट किसी भी पोइम को समझने से पहले उस पोइट के लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करो क्योंकि उस एज जो उस जमाने का जो है उस एज का जो है इंपैक्ट के दिमाग पे जरूर होता है तो उस एज का रिफ्लेक्शन जो है उसके पॉइंट में भी हम देख सकते हैं जैसे इस पॉइंट में हम एक रिफ्लेक्शन देखते हैं उस एज का जिस एज में रविंद्रनाथ टैगोर था यानी कि इस पॉइंट से हमें पता चलता है उस वक्त हमारा देश आजाद नहीं था लोगों के अंदर लोगों के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे पीपुल वर नॉट दैट फ्री तो ये रिफ्लेक्शन हमें इस पॉइंट से मिलता है सो दैट इज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पॉइंट प्रॉपरली ट्राई टू गेट एम्पल इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द पोइट एज वेल अगर आपको पोइट के लाइफ का अच्छी तरह से पता चल जाए तभी उसके पोइम को समझने में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगा यू कैन अंडरस्टैंड हिज पोइम इज़ीली इफ यू हैव अ गुड आइडिया अबाउट द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पोइट सो डर स्टूडेंट्स विदिज फ्यू वर्ड्स आई वु लाइक टू कंक्लूड माई लेक्चर हियर यू माइट है जैसे कि मैंने कहा कि पोइट के लाइफ का एम्पल आइडिया होना चाहिए तो इसलिए पोइट के लाइफ के बारे में अच्छी तरह से जानने की कोशिश करो पोइम को समझने के समझने से पहले तो अगर आप पोइट के लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं तब आप आसानी से उसके लिखे हुए पोइम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच